अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरविंद पुत्र, जाने से पहले मेरे से एक वादा करके जाना, चाहे जो करना पड़े तुम खुशी को वापस ले आओगे। देखो बात करने में ना वो थोड़ी गुस्सेल और थोड़ी सख्त सी लगती है, लेकिन वैसी नहीं है, वो अंदर से ना बहुत नर्म दिल और नाजुक है। हाँ बुआ हूँ उसकी, लेकिन माँ से कम नहीं हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए प्लीज वादा करो मुझसे ले आओगे ना। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं उसको ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, आप परेशान मत होइए। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। लेकिन नहीं प्लीज, मुझे मत रोकना, मैं नहीं रुकूंगी, और मुझे पता है तुम्हें मना करना अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मुझे जाने दो। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी बहन को लेके आऊंगा। युग तू भी यही रहे, सबका ख्याल रखना, कुछ होगा मुझे बताना। बाय। ये क्या बेकार की बकवास किए जा रही हैं आप? दिमाग खराब है आप लोगों का? ओए, दिमाग हमारा नहीं, तुम लोगों का खराब है। देखिए हाथ पार मत कीजिए, अच्छा नहीं होगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो हमसे इस तरीके से बात करे। तो लो, अब हो गई हिम्मत, वो भी तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे भतीजे ने जो किया है ना उसकी वजह से। अरे हमारी बेटी गायब हुई है और उसे उठाया है तुम्हारे भतीजे ने, तो तुम लोगों की आरती उतारे हम? हाँ फूलों की माला पहनाए, इज्जत से बात करें, और ये तो शुक्र मनाओ कि मैं अभी तक तुम लोगों के साथ तुमसे तू तलाक पे नहीं उतर आई। बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज हमारी सिचुएशन समझिए, हमारी बेटी गायब हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। ऐसी बेचारी बन के बात करोगी तो तुम्हें क्या लगा हम मान लेंगे कि सब कुछ जसबीर ने किया? अरे कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि हमारा जसबीर उसे यहाँ लेके गया था, वहाँ लेके गया था, अरे वो बेचारा तो जेल में, और किसकी वजह से? आप लोगों की बेटी की वजह से। हमारी बेटी की वजह से नहीं, वो अपने कर्मों से गया है जेल, समझे? आपको समझ नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, जस्सी जेल में है, और अगर जस्सी जेल में है तो वो आपकी बेटी खुशी को कैसे उठा सकता है? ओए होए, इन्ने भोले बनने की जरूरत नहीं है, नेता हो हैं जी, सब जानते हैं हम, तुम्हें कुछ भी काम करवाने के लिए खुद करने की जरूरत नहीं है, किसी को बोल दिया हो जाता है। बस बहुत हो गया, अब आप मुझ पर भी इल्जाम लगाएंगी? जाइए यहाँ से, जितना सुनना था हमने सुन लिया, अब अगर आप एक शब्द भी बोलेंगी तो। ठीक है भाई, हम डर गए हैं जी, ये लो हम एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन तुम लोग तो बोलो, सच क्या है ये तो बताओ, आज से शुरू हो जाओ, सच बोलना शुरू करो, बताओ हमारी बेटी का है, अरे थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ तुम लोग। मतलब हम लोग इंसान नहीं है? हाँ हमारे घर में आके हमसे ही, आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, चलो। मेरी बुआ जी का हाथ छोड़ो। नहीं, मेरी बुआ जी का हाथ छोड़ो। और छोड़ो। देखिए हम अभी जा रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर मुझे पता चला कि हमारी खुशी के गायब होने में आपका या आपके उस जसबीर का हाथ, तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, मेरी उसी बेटी की कसम है मुझे। चलिए बुआ जी, बाय। क्या नंबर था उस गाड़ी का? लड़की का नाम खुशी है और टेम्पो कलर व्हाइट है, MH48BM779। यही कहीं होनी चाहिए वो गाड़ी। रोड नंबर 55, आखिरी बार उसे वही देखा गया है। ये वो रोड है
रोड नंबर 55, वो टेम्पो यही होना चाहिए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, ये रहा टेम्पो, ये वही टेम्पो है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई? दिमाग खराब हो गया तू? आज काफी दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुना। मैं ही तुम्हारा राजवंश उर्फ हार्फी। वो आरवी जिसने अभी अभी तुम्हारी बहन से शादी की, पूर्वी का हस्बैंड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।